फैजल सिंह खालिद 14 साल वाला बच्चा, वो उनका मदर के साथ मिलके, मदर उसका नाम है अमीना, दोनों मिलके उनके ग्रैंड मदर के घर पे गए थे पंडेशिया में। तो ये अमीना का भाई का बेटा और एक है फाइव बिन अली सलीम बोलते, 11 साल वाला बच्चा। दोनों आपस में लूडो गेम खेले थे सेल फोन में। लूडो गेम में जो है खालिद हार गया था, तो भाई ने उसको जरा छेड़ा था, तो हार गया रहे बोलते, तो बात बात में दोनों हाथों से मार लिए थे, मार लिए। तो जब का जब वो फैसल बिन खालिद डूब चुका, पीछे गिर गया, तो घर वाले पूरे उसको आसपास पकड़ ले गए थे, उसकी कोमा में एडमिट करे थे। वो कोमा में उधर से कल सुबह 10 बजे टाइम में मर गया था। उसके बाद डेड बॉडी को उस्मान शिफ्ट करे थे हम लोग, वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के बावजूद जो कार्रवाई है कानून की पूरी कंप्लीट होने के बावजूद वो डेड बॉडी हैंड ओवर कर दिया गया, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगला एक्शन होगा। तो फिलहाल एग्जैक्ट रीजन फॉर डेथ अभी मालूम नहीं पड़ा है। कब आया था सर खालिद बिन, कब आया था यहाँ इसके नानी के घर? नानी के घर को 2 तारीख आया था, 2/2/2017 को आया था, वो 6 तारीख के दिन 10:30 बजे टाइम में हुआ था। तो उनके घर से कोई कंप्लेन करे? वो लोग कोई कंप्लेन नहीं कर रहे, हमको नहीं चाहिए। सब बच्चे बच्चे आपस में खेलते खेलते हुए क्या, और गिर गया सा वाला बच्चा भी थोड़ा गुस्से में आया था, कैसा आगे गुस्से में आके मुँह पूरा सा लाल होके गिर गया था। तो हमारे को किसी के ऊपर चेक नहीं, ऐसा वो कंप्लेन नहीं बोल रहे थे, मतलब हम अपना कानून के हिसाब से कार्रवाई करना था। थैंक यू। लोगों के समझ में माइक माइक करिए।